अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। नवी मुंबई में 7 दिन और बढ़ा लॉकडाउन। अब 20 जुलाई तक बंद रहेंगे दुकान और प्रतिष्ठान। एक्सटेंशन में और बढ़ेगी सख्ती। नवी मुंबई महानगर पालिका ने कोरोना संक्रमण को रोकने लॉकडाउन को 7 दिनों का एक्सटेंशन दे दिया है। अब 13 जुलाई की रात खत्म होने वाला लॉकडाउन 19 जुलाई की रात 12 बजे तक लागू रहेगा। नवी मुंबई मनपा के आयुक्त एबी मिसाल का दावा है कि बीते 10 दिनों के अनुभव को देखते हुए लॉकडाउन एक्सटेंशन जरूरी था। हालांकि पूर्व मंत्री एवं बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने इस तरह टुकड़े टुकड़े में लॉकडाउन को लागू करने को सही नहीं बताया। उन्होंने कहा कि पहले नागरिकों को 5 दिन की पूरी छुट्टी देनी चाहिए ताकि वे जरूरी सामान खरीद सकें, और उसके बाद यदि एक साथ 20 दिन का लॉकडाउन लागू होता है तब कोरोना चेन टूटना आसान होगा। मैंने ये बात कही कि शुरू शुरू में लॉकडाउन हुआ लोगों को कोई आइडिया नहीं थी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि राज्यकर्ताओं ने यह बोलना चाहिए कि 5 दिन का आप टाइम ले लो, घाई गर्दी मत करो, जो जितना ज़रूरत का अनाज है जितना सब्जी आप खरीद करके लाओ, और 20 दिन का एक ही साथ में लॉकडाउन करो तो 20 दिन में ये चेन टूटेगी। जो इमरजेंसी में जो कोविड प्रिवेंशन के लिए जो काम करते हैं वो लोगों की भी उनकी जो कोई तजवीज़ यानी उनके अरेंजमेंट वही ठिकाने पे, महापालिका के वार्ड में तो उधर ही रहो 20 दिन के लिए, उनका खाना पीने का बंदोबस्त करो, पुलिस के अंदर रहना तो पुलिस स्टेशन में उनका काम करो कि वो लोग फिर से अपने घर में जाके घर के परिवार वालों को फिर से वो किधर से कोविड का प्रादुर्भाव करे और उनका पूरा परिवार भी। प्रिवेंशन मीन्स टोटली जिस इलाके में काम करना है उसी इलाके में काम करो। मैं चैलेंज दे के बोलता हूँ 20 दिन का लॉकडाउन नॉन स्टॉप, लेकिन सबको विश्वास में लेके भाई तुम लोग किसी भी ढंग से तुम लोग को अनाज भी रेशन का, मोदी साहब ने तो बोला कि नवंबर तक का रेशन फ्री करो गरीब लोगों के लिए, मोदी साहब ने तो निर्णय लिया। अभी इस कड़ी में मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे कई लोगों को इलेक्ट्रिक का कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने का नोटिस आया है, उस दिन आपके सामने ही मैंने उनको बोला एक का भी कोविड का जो भी सिलसिला चालू है तब तक एक का भी कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया तो हम लोग उग्र स्वरूप धारण करेंगे। हमें मालूम है लोकशाही की चौकट, हमें मालूम है लोकशाही में शासन यानी सिस्टम को डैमेज करना एक पाप है, गुनाह है, लेकिन वो सिस्टम यदि लोगों के बुरे दिन में काम में आती नहीं तो वो सिस्टम को हम नहीं मानते। आज के तारीख में तो मैं ये बोलूँगा कि राज्य शासन ने कर्जा निकाल के महावितरण को पैसा दे, महावितरण भले जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर जब तक लोगों को फिर से अपने काम पे धंधे पे लगना नहीं होता है, वो जब काम शुरू हो जाएगा काम दो पैसा कमाएंगे। यदि जो बिल समझो किसी का 25,000 रुपये का हो गया तो करंट बिल समझो कि उसका 4,000 रुपया 5,000 होगा, उसमें फिर से 2-3 हज़ार रुपया जो पिछला बिल का एडजस्ट करते ऐसे इंस्टॉलमेंट दे दो। ऐसे वक्त में लोगों के साथ में आप रहोगे तो जनता आपसे कभी भी गलत ढंग से पेश नहीं आएगी, जनता पूरा पैसा देने का इरादा करेगी। लेकिन आज के तारीख में बिजली काटी तो वो लोग अड़चन में आएंगे तो उल्टा अनरेस्ट बढ़ेगा। तो मेरी महाराष्ट्र सरकार से यानी सिफारिश मैं करता हूँ कि भाई तुम लोग कर्जा पैसा होगा तो तिजोरी से दे दो, नहीं होगा तो कर्जा निकालो, महावितरण को सशक्त बनाओ और उसके बाद में लॉन्ग टर्म का जैसे किसान लोगों के कर्जा के लिए भी आप नया नया अरेंजमेंट करते हैं कि भाई कंपनी का कर्जा कंपनी का पैसा लेते हैं लोन लेते हैं और उनको पैसा देने के लिए नहीं हुआ तो उनको भी फिर से नया प्लान बना के देते हैं। इसी ढंग से हर इंसान को वो काम कार्यक्रम करना चाहिए। बता दें कि नवी मुंबई में 25 मार्च से लगातार लॉकडाउन जारी है। पड़ोस की महानगर पालिकाओं ने जब लॉकडाउन में शिथिलता दे दी थी तब भी नवी मुंबई में सख्ती जारी थी, लेकिन इसके बावजूद नवी मुंबई में कोरोना घटने की बजाय उसकी संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है। बताना जरूरी है कि जहां पूरी नवी मुंबई में 100% लॉकडाउन है वहीं एसेंशियल सर्विस के नाम पर MIDC और APMC दोनों चालू हैं, जहाँ रोजाना हजारों लोग आते जाते हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण को रोकना
बड़ी चुनौती बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।